हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कनेक्ट कीजिएगा। नया टॉपिक आपके लिए रहेगा फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट के अंदर जो पढ़ते हो आप, नेम रिएक्शंस वगैरह सब के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीएसआईआर नेट एग्जाम के अंदर। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जहाँ जहाँ आपको दिखता है वहाँ कोई भी इंटरमीडिएट बीच में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो कार्बिन की बात हो चाहे वो रेडिकल की बात हो। डायरेक्ट रिएक्शंस भी आ जाता है कार्बिन का और रेडिकल्स का, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बिन अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसने भी नहीं देखा प्लेलिस्ट बना हुआ है बिल्कुल डिटेल में। ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जो आपके साथ डिस्कस ना किया हो कार्बिन से रिलेटेड, ठीक है। तो कार्बिन जिसने नहीं देखा है वो कार्बिन के लेक्चर देख सकता है। नया टॉपिक आज फ्री रेडिकल स्टार्ट होगा। पहले आपको मैं ये बता दूंगा कि इस पूरे पोर्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब जब तक अपना कार्बिन चलेगा। अभी फ्री रेडिकल चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, मैक्सिमम ये मान के चलिए आप 4 से 5 लेक्चर विद क्वेश्चंस आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कार्बिन के क्वेश्चंस आप कहोगे तो एक सेशन के अंदर 40 से 45 मिनट के सेशन के अंदर कार्बिन के सारे क्वेश्चंस लगा लिए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिए कार्बिन के ड्यूरिंग, जहां जहां जिसका यूज हुआ, जैसे सिमन स्मिथ का कोई क्वेश्चन था तो वो साथ में डिस्कस कर दिया इस टाइप से। इसके अलावा ये जो क्लासेज है आपके लिए अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर दोस्तों, फ्री क्लासेज, क्या है फ्री क्लासेज, इनको आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो ऐप के ऊपर। जैसे YouTube के ऊपर आप फ्री में देखते हो, सेम अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री चलती है। देखिए वहां आपको लेक्चर नोट्स वाला ये जबरदस्त फीचर है, एजुकेटर से बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, वहां आपको जो पढ़ाया जाता है तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाता है, मतलब नोट्स मिल जाते हैं क्लास के बाद। क्लास के बाद क्या मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं यहां तो ये अपनी जो क्लासेज है फ्री क्लासेज है, इनके अंदर ये वाली क्लासेज हो चुकी है वैसे, और जीओसी का लेक्चर्स चल रहे हैं लगातार। मैक्सिमम हमने पोर्शन कवर कर लिया है, सिर्फ बचा हुआ है एरोमेटिसिटी और एसिड बेस केमिस्ट्री और जितने इफेक्ट्स होते हैं जो भी, मीजोमेरिक, आई इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुकेशन, सारे। अभी आप पढ़ोगे ना, आज हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे तो आप देखोगे फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुकेशन का कैसे यूज हो रहा है, ये सारी चीजें यहां डिस्कस। जो वहां देख रहा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार के, किसी क्वेश्चन को समझाने से पहले वो आंसर करना खुद से स्टार्ट करेगा। यही एक पैटर्न रहेगा, पहले आपको बताया जाएगा फिर आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है भाई मुन्ना। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने रहते हैं, बाकी आपके साथ वुडवर्ड फिशर रूल, सोलवेंट का इफेक्ट, लैम्डा मैक्स कब डिक्रीज करता है कब इंक्रीज करता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट है, ऑलमोस्ट बस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं कुछ, जिसमें डाई इन और डाई नॉन के हमको क्या करना है, लैम्डा मैक्स जो कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए वो डिस्कस करना है। इसके अलावा देखिए ये वाली जो नई टेस्ट सीरीज है, ठीक है, पार्ट सी के लिए 16 नवंबर से ये स्टार्ट है, प्रयास टेस्ट सीरीज पार्ट बी के लिए 3 नवंबर से नया बैच स्टार्ट है, 13 नवंबर से मॉक टेस्ट मैथमेटिकल साइंस का ये भी स्टार्ट है, आप इधर देख सकते हो आउटसाइन बेच, अगर लाइफ साइंस की बात करें तो ये स्टार्ट है। ये सारी चीजें क्या है चल रही है सिक्वेंसली, इन सबको जिस जिसका सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है TIFR के लिए PYQ सेशन चल रहे हैं, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो पार्ट ए के लिए जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, अपने आप को और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आप कोड यूज कर सकते हो, अगर देखिए अगर आप फ्री क्लासेस देखने जाते हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्लासेस लॉक मिल सकती है, तो उन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो। दूसरा आप प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट के लिए भी आप BKM10 कोड यूज कर सकते हो। दो टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अनलिमिटेड एक्सेस स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये प्लस के फीचर्स हैं। ये फीचर्स आइकॉनिक में ऑलरेडी होते हैं बट इसके अलावा कुछ अलग से होते हैं आइकॉनिक में, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सब क्या है आइकॉनिक के अंदर है। इसके अलावा देखिए प्लस एंड आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं तो यहां तक अगर आप देखोगे तो यहां तक तो कॉमन होता है मुन्ना, यहां तक तो कॉमन होता है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं ये वाला, ये सिर्फ आपको कहां मिलता है आइकॉनिक के अंदर, ये फीचर्स मिलते हैं जिसमें पर्सनल कोच हो जाता है, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू सेशंस, स्टडी बूस्टर सेशंस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, ये आपको ओनली एंड ओनली आइकॉनिक पे मिलते हैं। नमस्ते पमी, नमस्ते। तो फ्री रेडिकल का आज बहुत से क्वेश्चंस आपको लगाने को मिलेंगे। देखिए फ्री रेडिकल हुआ, कार्बिन हुआ, ये जब तक आप साथ में क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना भाई, आपको सिंपल मैंने थ्योरी पढ़ा के मैं निकल लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो भी टॉपिक हम करेंगे उसका क्वेश्चन साथ के साथ लगाएंगे भाई, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, रिएक्शंस आएंगे रिएक्शंस की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स क्या होगा उनकी बात करेंगे डिटेल में। जिसने कार्बिन देखा होगा सेम वैसा ही पैटर्न चलेगा। ऐप डाउनलोड करके आप स्पेशल क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। और अगर बात करें इनकी
थ्री मंथ, सिक्स मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ प्लस के ऊपर चार टाइप का है और आइकॉनिक पे तीन वैलिडिटी पीरियड के साथ है। हर किसी पे आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है मुन्ना, अगर आप बी कैम 10 कोड यूज करते हो। रेफरल कोड की जगह जैसे ही आप यहाँ बी कैम 10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्पेशल क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, उनमें कोई चार्जेज नहीं होता। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो आपको क्या करना होगा, बी कैम 10 कोड यूज करके उनको अनलॉक करना होगा बस, ठीक है। चलिएगा जी, अभी चलते हैं हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अब देखिए, सबसे पहले फ्री रेडिकल के बारे में स्टार्ट करने से पहले, फ्री रेडिकल की स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार सभी शेयर वेयर कर दीजिए, सबको अपने दोस्तों को बुला लीजिए, बाकी लोगों को भी। देखिए, अगर ये आज का सेशन रहेगा आपके अंदर, आपके लिए PYQ का ऐप के ऊपर 6 बजे, इसमें ऐसा नहीं है कि जो हल्के फुल्के क्वेश्चन है उनको करेंगे, हल्के फुल्के क्वेश्चन सबको आते हैं। ऐसा नहीं है कोई 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में, 3-4 क्वेश्चन तो मैं नए रखूंगा यहाँ, 3-4 क्वेश्चंस न्यू होंगे, बाकी 5-7 क्वेश्चंस आपको क्या रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो मुश्किल लगते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपको मुश्किल लगते हैं, उनको डिस्कस करूंगा। जो नए एग्जाम के होंगे, ऐसा नहीं है कि 2011 के डिस्कस करेंगे, वहां टाइम पास करने वाला बात नहीं है कि 2011 के करेंगे, 2011 वाले सबको याद होंगे। इसके अलावा ये GOC के लेक्चर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका यूज आपको देखने को आज के ही लेक्चर में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो अनलॉक करने के लिए आप क्लास, आपको लॉक मिल सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो, अनलॉक करने के लिए आप क्या करोगे, बी कैम 10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे आप इन क्लासेस को क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं रेडिकल की, जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे। देखिए, अभी हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले तो ये बातें होंगी क्या क्या पढ़ना है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ रेडिकल में, तुम्हें बता देता हूँ कि पूरे रेडिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल में टॉपिक कौन कौन सा पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी फिर हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, जैसे कि तुमने कहां पढ़ा था, कार्बिन में फॉर्मेशन पढ़ा था, हम क्या पढ़ेंगे कि फॉर्म कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, फ्री रेडिकल। जैसे ही हम फॉर्मेशन की बात करेंगे उसके बाद हम थर्ड स्टेप में कहेंगे सर हमको क्या जानना है, स्टेबिलिटी जानना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला मामला, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलता आपसे कि रेडिकल की स्टेबिलिटी बता दीजिए साहब, आपको बोलता है बॉन्ड एनर्जी बताइए जी, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल तीसरा अपने पास ये रहेगा। और स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के बाद आती है रिएक्शंस, जिनको आप बोल सकते हो नेम रिएक्शन, क्या बोल सकते हो, नेम रिएक्शन भी बोल सकते हो, रिएक्शंस। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं थोड़ी कुछ बातें करूं अगर मेन मेन रिएक्शंस की, तो आप कहोगे सबसे पहले अगर मैं बोलूं कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शंस, जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड होगा उन पे बेस्ड फ्री रेडिकल की कौन कौन सी रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि अल्काइल हैलाइड की, जिनमें क्या होगा RX ग्रुप होगा अल्काइल हैलाइड बेस्ड, अल्काइल हैलाइड बेस्ड, कार्बोनिल बेस्ड, या आप कहोगे अल्काइल रेडिकल चेन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेडिकल चेन रिएक्शन एक ये पढ़ोगे। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये वाली चीजें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी आप दो टाइप के पढ़ते हो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजाइलिक या मोनो हेलोजिनेशंस या हेलोजिनेशन रिएक्शंस। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, स्टार करना है उसको, तो AIBN से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस टर्शियरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड एजो आइसोब्यूटाइलो नाइट्राइल, ये नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉक्स के अंदर लिखा गया है। ये चीजें हम सारे को, सारी चीजों को एक एक करके क्या करना है, कवर करना है पूरे रेडिकल के अंदर। बोलिएगा साहब यहां तक का किसी को कोई डाउट है, ये तो हुआ अब तक जो हमें पढ़नी है चीजें, ये तो वो चीजें हैं जो हमको पूरे इस फ्री रेडिकल के अंदर पढ़नी है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये वाला स्टेबिलिटी का, और इनके अलावा जो नेम रिएक्शन चलेगा उन पर भी काफी इंपॉर्टेंट हद तक बात करेंगे। एक बार कलर ये विजिबल है क्या, नहीं है, बोलो भाई सभी फटाफट से। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल स्ट्रक्चर की, आप कहोगे सर सिंपल सा किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कलर रेड चेंज कर लेते हैं भाई, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सर स्ट्रक्चर सबको ही पता है कि क्या होता है स्ट्रक्चर, आप बोलोगे सर हमने देख ही रखा है, फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर सबको ही पता होता है, ये मेरे पास कोई है ग्रुप, आपको पता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहे होंगे, 2 यहां रहे होंगे और 2 यहां रहे होंगे। देखिए कार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, यहां क्या होगा, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयरिंग में, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल के अंदर पड़ा होगा। और यहां टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो क्या बोलोगे, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और 7 है तो इसको क्या बोल दोगे, तो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है,
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा मुन्ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो ही सिंपल सी स्ट्रक्चर्स की बात। कार्बिन का स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कार्बिन के स्ट्रक्चर से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। पीके हेलो कैसे हो, ठीक है भाई। ये तो बात हुई अपनी स्ट्रक्चर्स की, इन चीजों में से। अब जो चाम चलेगा आज के सेशन में, दो पोर्शन हम कवर करने वाले हैं, ये दो वाले आज, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन। यहां तक बताइएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तुम्हें एक बात तो पता है कि सर सब जब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल जब मैं फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल की बात करूंगा, तो सिंपल सा तुमको पता है कि सर कोई भी बॉन्ड है, एक तो या तो इसके लिए लाइट चाहिए होगा, या हमको हीट दिया होगा। अब देखिए, या हमें क्या दिया होगा, चेन इनिशिएटर दिया होगा भाई, कोई रेडिकल इनिशिएट करे, जो रेडिकल इनिशिएटर। लेट्स सपोज आपके पास ए और बी कोई बॉन्ड है, ठीक है, ए और कोई बी बॉन्ड है। मैंने कहा इसको क्या करवा दो, आप होमोलिटिकल क्लीवेज करवा दो, आपके पास रेडिकल बन जाएंगे। तो क्या ये हर बार होमोलिटिकल क्लीवेज से रेडिकल बनेंगे, या हम कुछ अलग तरीका अपना सकते हैं? आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा भी देखा है कि कुछ ऐसा भी चीज होता है भाई, ए पॉजिटिव बन गया और बी नेगेटिव बन गया, उस केस में तो रेडिकल नहीं बनता भाई। कभी भी किसी बॉन्ड को अगर तोड़ते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे पास HCl है, HCl ने तुमने देखा होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो क्या हम इसको रेडिकल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते? क्योंकि ये तो आपको पता है कि क्या है, हेट्रोलिटिकल क्लीवेज है, और हेट्रोलिटिकल क्लीवेज में कैटाइन और एनायन बने हैं। मैंने कहा कि हम रेडिकल बनाना चाहते हैं, तो HCl को आपने जैसे ही क्या किया, होमोलिटिकल हेट्रोलिटिकल क्लीवेज करवाया, आपके पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। अब आपका कहना है कि सर क्या हमें कैसे पता चलेगा भाई किससे रेडिकल बनेगा, किसमें होमोलिटिकल क्लीवेज होगा, किसमें हेट्रोलिटिकल क्लीवेज होगा? तो मुन्ना यहां भी देखिए, जो HCl है ना, इसका भी क्या किया जा सकता है, हेट्रोलिटिकल होमोलिटिकल क्लीवेज करवाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हो, अगर इसका होमोलिटिकल क्लीवेज जैसे आप 200 के आसपास लेके जाओगे, 200 के पास, तो ये किसमें टूट जाता है, होमोलिटिकल क्लीवेज देता है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे, ये हमारे पास लो हाइट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की बात है, जब हेट्रोलिटिकल क्लीवेज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरे को ये चीजें देखनी होगी भाई, मैं अगर 200 बात कर रहा हूं, तो ये होमोलिटिकल क्लीवेज से रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां हमारे पास क्या हो रहा है, दूसरा क्या है, अगर मैं भाई ये 200 लेके जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मुझे हीट करना पड़ रहा है, या मुझे लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाना पड़ रहा है, तभी क्या कर रहा है, रेडिकल जनरेट कर रहा है। दूसरा, हमें कोई चेन इनिशिएटर मतलब रेडिकल इनिशिएटर चाहिए होगा, या तो या क्या बोलेंगे, रेडिकल इनिशिएटर भाई, जो रेडिकल बनाने में हेल्प करे, ठीक है। तो अब क्या क्या होगा, मतलब पहला फॉर्मेशन किससे करें, सबसे पहला आपने बहुत ही जर्नल केस देखा होगा, हेलोजन से फॉर्मेशन करते हैं रेडिकल की, पहला किससे देखते हो आप, हेलोजन से आपने देखा होगा, एक्स और एक्स एच म्यू की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में सिंपल आप क्या बना देते हो, 2x रेडिकल्स बना देते हो, मतलब x का होमोलिटिकल क्लीवेज करवाते हो और आप क्या बनाते हो, सिंपल रिएक्शन करवा देते हो, 2Cl रेडिकल, इस टाइप से। दूसरा आप एक और देखते हो परऑक्साइड से आप कैसे बनाते हो भाई, आपने क्या लिया, RO और R। देखिए ये कब होगा, आप देखिए ये कब कब फ्री रेडिकल बनेंगे। आप कहोगे सर जिन जिन का बॉन्ड वीक मिलेगा ना, वहां रेडिकल को बनाना आसान होगा, जहां जहां बॉन्ड वीक मिलेगा वहां रेडिकल को बनाना क्या होगा, आसान होगा। अभी थोड़ी देर में जैसे क्वेश्चन चलेंगे ना, तुमको पता चलेगा कि रेडिकल ये तो बहुत बेसिक है, सबको लगता होगा कि सर आता है। थोड़ी देर में जब क्वेश्चन आएगा ना स्टेबिलिटी का, तो सबको ऐसा लगेगा सर ये क्या चल रहा है, ठीक है भाई। जल्दी से एक बार कनेक्ट करो सारे, फटाफट से जल्दी से आइएगा। ठीक है भाई, तो देखो अभी मेरी बात सुनो, यहां तक तो मामला हुआ। अब परऑक्साइड से रेडिकल कैसे जनरेट होता है, देखो आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, यहां भी लोन पेयर का रिपल्शन होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होने की वजह से। जैसे इस पे HMU डालोगे, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, ये सबने पढ़ रखा होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़ रखा होगा तुमने। तो यहां हमारे पास क्या बनता है, 2OR रेडिकल बनता है, क्लियर है यहां तक की बात, बोलो यार सबको। इसके बाद तीसरा जो मैंने बोला आपके सामने आएगा AIBN रेडिकल, एजो आइसोब्यूटाइलो नाइट्राइड, इससे भी क्या किया जाता है,
अपने पास फॉर्म किया जाता है क्या, फ्री रेडिकल जनरेशन के अंदर इसको यूज किया जाता है। ये आपको सीएसआईआर नेट में काफी बार देखने को मिलता है रिएजेंट। क्या क्या लॉजिक है इसका, कैसे बनेगा, कौन सा बनेगा, क्या रेडिकल बनेगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। देखो जैसे ही इस पे आप लाइट और एचम्यू हीट डालोगे तो आप देखोगे जैसे हीट और लाइट डालने के बाद, हीट और लाइट डालने के बाद आप देखो यहां अपने पास ना एन टू गैस है जो कि एक बहुत बढ़िया ड्राइविंग फोर्स हो सकता है इस रिएक्शन के लिए। अगर N2 निकल जाए तो क्या कर जाए, तो अगर N2 निकल जाए भाई इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे ब्रेक करवा दूं सर, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा दूं और ऐसे ब्रेक करवा दूं तो आप देखोगे आपके पास क्या बनेंगे, CH3 रेडिकल और साथ में क्या निकल जाएगा N2 2। तो ये भी अपने पास क्या बनता है, रेडिकल जनरेट होता है। क्या होता है, रेडिकल जनरेट होता है। अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा, मैंने एक क्वेश्चन है रेडिकल की स्टेबिलिटी से, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलाइज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलाइज करते हैं। दूसरा है ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओनली विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलाइज करते हैं। थर्ड लिख रहा है बोथ डोनेटिंग ग्रुप्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा स्टेटमेंट सही है, विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा स्टेटमेंट ठीक है कि कार्ब जो फ्री रेडिकल बनेगा उसको कौन कौन से ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, कौन कौन से ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, कौन बोलेगा। अभी सिर्फ बता रहा हूं, स्टेबिलिटी की बात नहीं की अभी, अभी सिर्फ मैंने इतना पूछा है कि कौन कौन से ग्रुप है फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, और यहां पीके का आया है कि ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स स्टेबलाइज फ्री रेडिकल्स। बाकी लोग बोलो भाई, बाकी लोग बोलो मुन्ना, बाकी लोग बोलो। तो मुन्ना सुनो, अगर मैं फ्री रेडिकल्स की बात करूं, लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल है, ये वाला फ्री रेडिकल है, और एक मेरे पास ये वाला फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये दो फ्री रेडिकल है आपके पास, लेट्स सपोज मान लीजिए ये वाले दो रेडिकल है। अगर मैं इनमें बात करूं ना कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। साइनाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो ये बात मत कहना कि ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, ऐसे ग्रुप भी है, तीन चार ही है, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तीन चार है जो कि आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि ये क्या है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप से भी ज्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं। मतलब ये 3 डिग्री का रेडिकल है ना, तो इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है साइनाइड का रेडिकल, कार्बोनिल का रेडिकल, ठीक है, इसके अलावा ओईटी का रेडिकल, ये वाले रेडिकल इनको याद रख लेना। वैसे तो ये देखा जाए तो ये क्या है, हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी का है कार्बोनिल, फिर भी ये क्या है, इससे ज्यादा स्टेबल है मुन्ना, ये बात याद रख लेना। इससे ज्यादा स्टेबल है क्यों होता है, क्योंकि यहां जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसकी वजह से इनका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी है वो डाउन चला जाता है। और जब जब आपको पता है कि एमओ डायग्राम्स है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होमो है उनका एनर्जी जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, भाई सिंपल सी बात है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से इनका जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, सॉरी स्टेबिलिटी है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है, एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली डोनेटिंग ग्रुप ही स्टेबलाइज करते हैं, ये तीन के केस याद रख लेना, साइनाइड वाला, कार्बोनिल ग्रुप वाला और ये वाला, ठीक है भाई। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बोलो फटाफट से, फास्ट बोलो भाई, कितने लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात यहां तक की, जल्दी से बोलो। इसके अलावा देखो, अभी तुमने जो N2 गैस निकाला था आपको ऐसा भी दिया हुआ मिल सकता है, कैसा, आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मेरे पास लेट्स सपोज ये वाला ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ और सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, आपके पास ये वाला ग्रुप है और जिससे इस पे आपने म्यू और एच म्यू हीट और डाली, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसी बॉन्ड को क्लीवेज करवाओगे होमोलिटिकल, और आपके पास क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ रेडिकल।
सी डबल बॉन्ड ओ ओ रेडिकल। अब यहां तुमको पता है कि जो CO2 है एज ए गैस यहां क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। जैसे ये वाला तुम कहोगे यहां और यहां, इसी बॉन्ड को ऐसे क्लीवेज करवाओगे और ये वाला एक रेडिकल है, यहां मेरे पास CO2 बन जाएगा प्लस R रेडिकल बन जाएगा, CO2 बन जाएगा प्लस R रेडिकल बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जहां जहां जैसे ये वाला केस था ना, यहां ये वाला सिंपल ये वाला जैसे N2 निकला था, सेम आपको ये भी दिया हुआ मिल सकता है। यहां भी हमको क्या लेना है? R रेडिकल, क्योंकि जहां जहां हमारे पास ग्रुप निकलेगा वहां वहां क्या हो जाएगा? रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक की बात, किसी को डाउट है तो कुछ क्लियर है? अभी जो अपना मामला चलेगा वो किसका चलेगा? स्टेबिलिटी का चलेगा, और जबरदस्त मामला है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का तीन चार रूल बताऊंगा स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, उन्हीं को फॉलो करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है? जो आपको सीक्वेंस बताया जाएगा उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने अभी रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे, उनके आंसर भी आपको करने होंगे। चलो भाई देखो, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, किसकी बात करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करूंगा तो तुम्हें एक बात तो पता है, एग्जामिनर यहां तुमसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताओ, डायरेक्ट नहीं बोलेगा कभी भी। वो क्या बोलेगा? बॉन्ड एनर्जी बताओ, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। भाई मैंने क्या किया था, मैंने अभी ऐसा ही किया ना, इस बॉन्ड को ब्रेक किया था मुन्ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करके मैंने क्या बनाया था? रेडिकल बनाया था। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर ये वाला बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड स्ट्रोंग हुआ, बॉन्ड स्ट्रोंग हुआ, तो ये एक्स रेडिकल जो है वो इजिली बनेगा या स्लो बनेगा? अब बोलोगे स्लो बनेगा सर, जितना बॉन्ड स्ट्रोंग होगा उतना क्या बनेगा? स्लो बनेगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रोंग हुआ तो क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी इसका क्या हुआ? ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अगर बॉन्ड स्ट्रोंग है, इफ बॉन्ड स्ट्रोंग है तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको? बोलेगा कि किसी कोई मॉलिक्यूल देगा, मॉलिक्यूल में आपको बोलेगा कि बॉन्ड एनर्जी बताइएगा। मतलब वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि रेडिकल की स्टेबिलिटी बताइएगा। क्या नहीं बोलेगा? डायरेक्ट नहीं बोलेगा रेडिकल की स्टेबिलिटी बताइए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिखाई देगा कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड की एनर्जी पूछ रहा है। तो आपको बताया कि जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उसी के लिए तुम क्या बोल सकते हो? भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी के। और जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का फॉर्मेशन उतना ही कम होगा, मतलब उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड का जो एनर्जी होगा, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कलर दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बोलो यार जल्दी से फटाफट से, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहां तक की बात समझ में आई नहीं आई? पहले तो ये बताओ, इतना जो अभी तुमको बोला गया है कि जो भी हमारे को क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि साहब पहले तो हमको क्या चेक करना होगा कि जो बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, जिनके तोड़ने के बाद जो रेडिकल बन रहा है उसकी अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है तो सबसे हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा एक्स एक्स बॉन्ड का। भाई जो जिस भी बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल जनरेट किया जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? बोलो सबसे पहले फटाफट से। आपको लेट सपोज आपको क्वेश्चन दिया, आपको ये वाला क्वेश्चन बोल दिया सिंपल सा, CH3 सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एक क्या क्या मेथड लगाने हैं, क्या क्या करने हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। CH3H दूसरा आपको बोल दिया, CH3H और H लास्ट आपको बोला CH3C और CH3, ठीक है। दूसरा आपने बोल दिया CH2 और H, आपको अलग अलग नेमिंग कर दिया इनको, ये वाला A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया। अब आपसे बोल रहा है कि इनका बॉन्ड एनर्जी बताना है, इस बॉन्ड का क्या बताना है? बॉन्ड एनर्जी बताना है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी बताना है। ऑप्शन आपके सामने है बॉन्ड एनर्जी का, ए बॉन्ड एनर्जी के लिए आपसे बोलेगा ए बी और सी। दूसरा आपको बोलेगा कि सी बी और ए, सॉरी ये तो सेम ही हो गया, ऐसे लिख लो। तीसरा है बी सी और ए, और डी क्या है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सी ए और डी, सी ए और बी। आंसर कर दो यार फटाफट से। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर किसमें ज्यादा होगा? अभी मैंने तुमको बताया नहीं है, अभी मैंने तुमको मेथड नहीं बताया कि कौन कौन से, चार तीन जो स्टेप बताऊंगा वही स्टेप लगाने हैं।
जो स्टेप तुम्हारे को बताए जाएंगे उसी स्टेप को तुम्हें फॉलो करना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमने पढ़ा होगा, तुम आंसर कर दोगे, मुझे पता है। ठीक है, ये तुमको जो बताया जाएगा, अभी जो स्टेबिलिटी की बात चलेगी ना फ्री रेडिकल की, जब जब स्टेबिलिटी की बात आएगी आपसे कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा रेडिकल की स्टेबिलिटी का, वो आपको बोलेगा बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करेगा। बॉन्ड एनर्जी से हमें क्या करना होगा, आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेथड कब लगाएगा, कैसे पता करेंगे हम। सर जल्दी जल्दी बताओ यार, इसका आंसर करो पहले, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर करने से पहले पहले जान लो कि तुमको क्या क्या लगाना है, किस मेथड पे क्या लगाओगे, कब कौन सा सिस्टम लगाओगे। मुझे एक बात बताओ, अगर लेट्स सपोज पहले आपको लगाना होगा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, क्या लगाना होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले आपको करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेक किसका करना होगा, रेडिकल बनाने से पहले करेंगे या रेडिकल बनने के बाद करेंगे, वो भी बात करेंगे। दूसरे स्टेप पे तुम्हें लगाना है रेजोनेंस, रेजोनेंस ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं जीओसी के अंदर, अगर किसी को नहीं पता चलता कि रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुकेशन क्या है, तो वो देख सकता है मुन्ना ऐप के ऊपर, बिल्कुल फ्री लेक्चर्स हैं, 13 लेक्चर जीओसी के ले चुका हूं, हाइपर कॉन्जुकेशन, हाइपर कॉन्जुकेशन। देखो सबसे पहले आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, हाइब्रिडाइजेशन को, देन आपको किसको चेक करना है, रेजोनेंस को, देन आपको किसको चेक करना है, हाइपर कॉन्जुकेशन को। अभी जैसे आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, जो हाइब्रिडाइजेशन लगाओगे ना, हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैं अगले स्टेप पे लिख लेता हूं, अगर जैसे तुमने ये वाला आपको दिया हुआ था, ये वाला कॉम्प्लेक्स CH3 और CH3 रेडिकल, ये हाइड्रोजन, दूसरा आपको ये वाला दिया हुआ था जिसके ऊपर आपको दो ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक ये लिया हुआ था, लास्ट वाले में आपको CH3 कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये आपको तीन दिए गए थे। अब आपने क्या किया, रेडिकल बनाने के लिए क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया मुन्ना इसको, और तुमने ये रेडिकल बना लिए, क्या बना लिए, रेडिकल बना लिए, रेडिकल बन गया इधर अपने पास, रेडिकल बन गया मुन्ना, ये वाला एक हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा और रेडिकल बना दिया। सेम ऐसा तुमने क्या किया, यहां कर दिया रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। अब मुझे एक बात बताइएगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होने के बाद जो भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे वो किनकी चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन किनकी चेक करोगे, जो हमें मॉलिक्यूल दिया होगा पहले उस पे क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, क्या करोगे, पहले इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे क्या है। आप बोलोगे सर sp3 है, यहां भी आप बोलोगे सर sp3 है, यहां भी आप बोलोगे सर sp3 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन फेल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएगा बॉन्ड एनर्जी के बारे में मुन्ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएगा। अब तुम एक बात, ये सबको ही पता है, अगर मेरे पास लेट्स सपोज sp है, sp2 है और sp3 है, यहां परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है मुन्ना, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर आप बोलोगे सर यहां 50% है, या सॉरी sp2 यहां कितना है, आप बोलोगे सर 33% है, या बोलोगे 25% है, ठीक है। और आपको पता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, यही तो बोलते हो ना, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के इक्वल है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा रेडिकल का बनना मुश्किल होगा, क्योंकि हमने देखा है अभी कि बॉन्ड को तोड़कर हम रेडिकल बना रहे थे, अगर बॉन्ड वीक हुआ तो रेडिकल इजिली बनेगा, इजिली बनेगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, इजिली बनेगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। अभी आपसे बोला बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड मुश्किल, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुआ तो हमें क्या बोल सकता हूं, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब आपको अगर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, एसपी की हाईएस्ट होगी बॉन्ड एनर्जी, बिल्कुल एसपी की क्या होगी, हाईएस्ट होगी बॉन्ड एनर्जी, ये बात तो समझ में आई। तो सबसे पहले मैंने जब इसकी स्टेबिलिटी चेक करने लगा ना मैं, तो मैंने देखा कि पहला स्टेप हमारे पास आता है सर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो हमें बॉन्ड तोड़ना है, जिस बॉन्ड को तोड़कर रेडिकल बनाना है, वो कौन से सेंटर से तोड़ रहे हैं, एसपी से तोड़ रहे हैं, sp2 से तोड़ रहे हैं या sp3 से तोड़ रहे हैं। तो आपका काम आएगा सर जिसका बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, या तो सारे sp3 है तो हम नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। फिर मैं चला कि रेजोनेंस के पास चलता हूं, दूसरा स्टेप, पहला हाइब्रिडाइजेशन फेल हो गया, दूसरा रेजोनेंस के पास। रेजोनेंस का क्या कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी कॉन्जुकेशन वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर हमारे पास कौन आता था, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुमको बोला कि भाई साहब इसके बारे में हमने जब हाइपर हम बात कर रहे थे जब जीओसी के अंदर, तो मैंने कुछ आपको ऐसे सिस्टम्स दिए थे, मैंने कहा यार इनके बारे में पूछा कि किस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, जब इस मॉलिक्यूल के बारे में बात की होगा या नहीं होगा, तो जो रेजोनेंस थे उसने हाथ खड़े कर दिए, कहता है यार मेरे बस की बात नहीं है, मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रिंग के अंदर अंदर घूम रहे हैं। इस केस में तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसके केस में मैं नहीं बता पाता,
कि यहाँ होगा या नहीं होगा, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पीछे से खड़ा हुआ था, लास्ट बेंच पे बैठा था ऐसे हाथ करके कि सर मैं बता दूंगा इसके बारे में, तो एकदम से यहाँ सिग्मा और पाई वाला चलेगा सिस्टम। आर्य बात समझे, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखा है तो देख सकते हो अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, जीओसी के 13 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, जीओसी के 13 लेक्चर हो चुके हैं, ये वाले 12 या 13 लेक्चर हो चुके हैं शायद, ये वाला लेक्चर नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें डिस्कस किया हुआ है ये सारी चीजें। अभी मैंने कहा सर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे तो मैं डिसाइड कर लूंगा यहाँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन में, यहाँ देखिए यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो यार जल्दी से, जो ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, जल्दी से बोलो यार, जो ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। तो अब तुम कहोगे सर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, बॉन्ड एनर्जी आप क्या बोलोगे किसका ज्यादा होगा, जल्दी से बोलो यार फटाफट से, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बोलो रे जल्दी से। देखो अपोजिट कर दोगे सारा कुछ, जितना बॉन्ड, देखो अगर तुमको रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछे, अगर तुमको रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछे तो अपोजिट कर देना। अब बॉन्ड जिसका जल्दी टूटेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे कम स्टेबल है, ये क्या है, कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा रेडिकल। और जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा भाई, बनने वाला स्टेबल रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो तुम्हें पता है कि इसकी बॉन्ड को एनर्जी को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 3 वाले का सबसे ज्यादा देन, 2 वाले का और देन 1 वाले का। और अगर मैं रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, 1, 2 और 3। बोलो यार जल्दी से, अपोजिट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, जल्दी फटाफट से बोलो। बॉन्ड एनर्जी की बात आएगी तो बॉन्ड एनर्जी और रेडिकल स्टेबिलिटी की बात आएगी, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, बोलो यार जल्दी से फटाफट से। अगला क्वेश्चन लगाओगे उसका बताओगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहेगा आगे वाला। जैसे ये वाला है तुम्हारे पास, एक तो सिंपल सा ये वाला, अगर मैंने यहां एच ए लिख दिया, एक बी वाला लिख दिया एच बी, सिंपल एच, इसको एक बार 6 रिमेंबर रिंग, अब सारे कंसेप्ट अपने आप लगा के इसका आंसर दोगे। तीसरा वाला मैंने लिख दिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, बोलो भाई अब जल्दी से फटाफट से क्या रहेगा, जल्दी से बताओ, ए बी सी लिख दो। बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करेगा, बॉन्ड एनर्जी लिख के देगा तुमको, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, जल्दी से बोलो, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, sp2 sp sp3, बिल्कुल sp sp2 sp3, बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल, यस बोलो भाई इसका बोलो जल्दी जल्दी से। देखो दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा, बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर उतना कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। चीजें वही लगानी है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, देन रेजोनेंस चेक करना है, और देन क्या करना है अपने पास, हाइपर कॉन्जुकेशन चेक करना है। बताओ इसके लिए क्या रहेगा, बोलो यार जल्दी से बोलो फटाफट से क्या रहेगा एनर्जी का ऑर्डर। ऑप्शन बनाऊ क्या इसके, ऑप्शन बनाऊ क्या बॉन्ड एनर्जी के, इसके ऑप्शन बना देता हूं लो, ऑप्शन के हिसाब से कर देना 1, 2, 3, ऑप्शन के हिसाब से कर देना 1, 2, 3, लो ऑप्शन के हिसाब से कर देना। मैंने बोल दिया पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 ए बी और सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बोल दिया मैंने सी बी और ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बोल दिया ए, ऑप्शन नंबर 3 बोल दिया मैंने बी सी और ए, ऑप्शन नंबर डी बोल दिया मैंने, 4 ऑप्शन बोल दिया तुमको बी ए और सी। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, किससे बॉन्ड इजिली टूटेगा किससे लेट टूटेगा, जल्दी से बोलो फटाफट से। सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, 1, 2, 3 बोलो, सी ए बी कौन सा है, सी ए बी कौन सा है, मैंने क्या सी ए बी का ऑप्शन बनाया है कहीं, मैंने ऑप्शन नहीं बनाया क्या, रुको भाई ऑप्शन ही नहीं बनाया क्या, चलो करो तुम, करो तुम्हारी मर्जी, एक बार करो तुम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात हो रही है मुन्ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, सी बी ए आ रहा है, सी बी ए आ रहा है, सी ए बी आ रहा है, सी ए बी आ रहा है, सी ए बी आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो यार जल्दी जल्दी से बोलो, सी ए बी आ रहा है सर, आने का आ रहा है 2 सी बी ए, बाकी लोग कोई ऑप्शन से बाहर भी बोल रहे हैं सी ए बी। देखो सबसे पहले मुझे बॉन्ड तोड़ना है तो सबसे पहले मेरे को हाइब्रिडाइजेशन देखना है, क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन से एस पी, एस पी थ्री और sp3,
एसपी एसपी और एसपी थ्री, तो ये तो पता चल गया कि सर एसपी का जब बोर्ड तोड़ने जाऊंगा यहां से ये वाला बोर्ड तोड़ने जाऊंगा तो ये मुश्किल से टूटेगा सबसे पहले, तो ये वाली बात है। सबसे मुश्किल कौन सा टूटेगा, यही वाला टूटेगा, तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा सी वाले का, सबसे ज्यादा हो जाएगा सी वाले का, क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहां तक की बात बोलो यार, समझ में आई कि नहीं आई, सी वाले का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ये बात समझ में आया सबको, सी वाले का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। अब दो मेरे पास क्या है, एसपी थ्री वाले हैं, दो क्या है एसपी थ्री वाले, दो है एसपी थ्री वाले, क्या है दो है। अगर मैं यहां बात करूं ये वाली कि ये वाला भी एसपी थ्री है और ये वाला भी एसपी थ्री है, मुझे इस बॉन्ड को भी तोड़ना है और इस बॉन्ड को भी तोड़ना है। मैंने बॉन्ड तोड़कर, अब मैंने क्या बोला था तुमको, दो तीन चीजें चेक करनी थी, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुकेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो हमें बॉन्ड तोड़ने से पहले देखनी है, जहां से हमने बॉन्ड ब्रेक करना है। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुकेशन कब चेक करते हैं, जब रेडिकल हम बना लेते हैं तब चेक करना है बॉन्ड तोड़कर। अब बॉन्ड तोड़कर मैंने चेक किया कि मेरा बॉन्ड टूट गया और ये वाला मामला बन गया सर, ये वाला यहां, और एक मेरे पास ये वाला बन गया साहब, ये वाला। अब जिसका दोनों में से ज्यादा स्टेबल बनेगा, जिसका ज्यादा स्टेबल बनेगा इसका मतलब वो बॉन्ड इजिली ब्रेक किया होगा, वो बॉन्ड क्या होगा इजिली ब्रेक। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो रेडिकल बना है वो स्टेबल रेडिकल बन रहा है, मतलब एनर्जी क्या देना पड़ा होगा, कम देना पड़ा होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इधर मैं इसकी बात करूंगा, इस रेडिकल को तोड़ने के बाद, बॉन्ड तोड़ने के बाद जो बनेगा वो स्टेबलाइज नहीं है किसी से, वो स्टेबलाइज नहीं है, मतलब इसके लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझको एनर्जी ज्यादा देना पड़ा होगा, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो सी के बाद, सी को तो सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, सी के बाद मुझे ये बी वाले को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ा, और उसके बाद ए को देना पड़ा। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। और रिंग रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करेगा तो क्या बोलोगे, रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करेगा तो आप बोलोगे ए का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन अपने पास बी का, और देन अपने पास सी का। ये किसका ऑर्डर होगा, ये जो ऑर्डर है ये किसका है, रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, रेडिकल की स्टेबिलिटी का। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो यही बताएंगे, लाइक शेयर कर देंगे एक बार सारे। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया यार, जल्दी से बोलो फटाफट से, जल्दी से बोलो यार एकदम से फास्ट। बताओ यार यहां तक की बातें समझ में आ रही है तुमको, जो बातें चल रही है वो बातें सबको मतलब दिमाग में बैठ रहा है, क्या कर क्या रहे हैं, कब कौन सा लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है मुन्ना, सीक्वेंस में लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया जाए तुमको फिर से, एक क्वेश्चन और दिया जाए तुमको फिर से, बड़ा सा क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ कॉपी में, स्ट्रक्चर बड़ा है तो सिंपल था, इसको करो यार, इसको करो, इसको बताना है क्या कौन क्या होगा। ये अपने पास एक सिस्टम है, इसमें तुमको बताना है कि कौन से की स्टेबिलिटी, बाउंड एनर्जी का ही बताना है तुमको। एक ये वाला बॉन्ड है और इसके बगल में इधर एक दो और तीन, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन है, ये कंप्लीट मेरे पास क्या है, एरोमेटिक रिंग है। और इसके बगल में इधर मैंने क्या किया है, ये वाला मामला है इधर, ठीक है, और इधर आपके पास ये लो साहब। अब मैंने यहां जो जो बनाए हैं उन उनको बताना है, ये वाला मेरे पास एच ए हो गया, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, एच ए बी कर लेते हैं इनको, ए बी, और इधर भी एक कर लो, इधर एक और लिख लो, इधर एक एच और बना लो, ठीक है, ए बी, और इसको कर लो अपने पास सी, ए बी सी डी और ई। ऑप्शन बनाऊं क्या बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी के ऑप्शंस देखो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, डी ई ए ई बी और सी, डी ए बी ई सी आगे सारे, दूसरा है सी बी ई ए और डी, ठीक है, तीसरा है आपके पास डी ई ए बी और सी, फोर्थ है आपके पास जो बनाया है वो बी ए डी सी ए ए बी सी डी ई। बनाइएगा, अब आंसर दीजिएगा इसका फटाफट से कि किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा किसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, जल्दी से आंसर कर दो बस फटाफट से।
डी लिख लो इसको, डी, इसको ऑप्शन डी कर लो, और यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 2 3 4 कर लो, 1 2 3 4 कर लो, करो भाई आंसर। अब तुमसे कैसा ही क्वेश्चन पूछ ले, बॉन्ड एनर्जी का पूछ ले या रेडिकल की स्टेबिलिटी का पूछ ले, ठीक है, लाइक शेयर भी कर दो भाई सारे। अब किसी का गलत नहीं करना भाई, इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करना, ठीक है, मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुमने पहले पढ़ा ही नहीं रखा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत सा, देखो कई बार क्या होता है कि अब तुमको पता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि सर जिसने भाई मैंने तो पढ़ रखा है यहाँ, तो बस ये हो रहा है सर, ये बहुत बेसिक से चल रहा है, तो भाई कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा देखो जो अभी एमएससी किया होगा, या मान लो 20 दिन के बाद कोई वीडियो देखता है जो फर्स्ट टाइम देखेगा, तो वो जीरो लेवल से होगा, उसको पता ही नहीं होगा फ्री रेडिकल क्या होता है, तो उसके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है ये, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए भी, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए भी। अब पढ़ रखा है वो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकता है साथ के साथ, ये उन्हीं के लिए है, वरना डायरेक्ट थ्योरी करवाई जा सकती थी भाई, जो पढ़े हुए हैं पहले उनका भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बोलो भाई क्या होगा, आंसर आ रहा है 2, आंसर आया मेरे पास 2, क्या है 2 आंसर आया है, आंसर आया 2 काजल का। बाकी लोग बोलो यार सारे आंसर करो प्लीज, एक बार सभी क्या करेंगे प्लीज आंसर करेंगे क्या है। करो 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 सभी आंसर करो यार, अभी आंसर नहीं आया तुम्हारा किसी का भी। एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक भी आ रहा है, दो भी आ रहे हैं, बाकी बोलो, एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, बाकी बोलो सारे, ट्राई करो सारे सभी एक बार फटाफट से। राज कुर्दिया का भी एक आ रहा है, क्या नाम है भाई साहब, नाम का देख लेना यार, कोई दिल पे ले ले कि सर नाम ऐसे पढ़ दिया आपने, ठीक है चलो शॉर्ट नाम ही ले लेता हूँ, राज ही बोल देता हूँ। बोलो भाई बोलो बोलो जल्दी जल्दी से बोलो फटाफट से क्या है। तीनों चीजें लगाओ, बॉन्ड एनर्जी को देखो, बात खत्म बस। बाकी लोग नहीं आंसर करेंगे कि सर तीन लोग ही आंसर करने वाले हैं क्या, बाकी कोई नहीं बोलेगा, करने लग जाओ एक्सप्लेन, फिर कहोगे सर हम कर ही रहे थे अभी तो, आपने आंसर पहले बता दिया। चलो देखो भाई, सबसे पहले, सबसे पहला अपना काम होता है हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। हाइब्रिडाइजेशन अगर एसपी हुआ तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा, एसपी टू हुआ तो देन एसपी थ्री, चेक करो एसपी, एसपी थ्री, एसपी टू, एसपी थ्री, एसपी थ्री। आ रही है बात समझ में सबको, मतलब क्या हुआ मेरे पास सबसे ज्यादा कौन आ गया बॉन्ड एनर्जी के मामले में, सबसे ज्यादा पहले कौन आ जाएगा सर, जो सी वाला है ना वो सबसे ऊपर आएगा, सी वाला है वो सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि यहां से बॉन्ड तोड़ना है मेरे को, जो भी मेरे को बॉन्ड ब्रेक करना है वो मैं कहां से तोड़ रहा हूं, कार्बन एसपी से तोड़ रहा हूं, एसपी टू से तोड़ रहा हूं और एसपी थ्री से तोड़ रहा हूं, ठीक है। तो एसपी वाले का तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ये बात तो सबको समझ में आ रही है, बॉन्ड एनर्जी जिसके पास होगा वहां से सबसे ज्यादा भाई उससे तोड़ना मुश्किल होगा, तो सी वाले का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, सी वाले का यहां भी है और सी वाला यहां भी है, तो जिसने भी आंसर 2 दिया है वो सबसे पहले बाहर हो गया है कंपटीशन से, ठीक है। अब तुमको क्या चेक करना है, देखो भाई हाइब्रिडाइजेशन ने जितना एक्सप्लेन किया उसके बाद तुमने एक बात पता कर ली कि सर एसपी टू का क्या होता है, एसपी थ्री से ज्यादा होता है, एसपी टू का क्या होता है, एसपी थ्री से ज्यादा होगा, तो मतलब बी वाला आ गया सर, क्या गया सी के बाद क्या आ गया, बी वाला आ गया, क्योंकि यहां क्या है एसपी टू सेंटर होना है। तो मैंने बोला था आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है, पहले हाइब्रिडाइजेशन जितना बता सकता है पहले हाइब्रिडाइजेशन से पूछना है, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताएगा तो रेजोनेंस के पास जाएंगे, और जब रेजोनेंस ही हाथ खड़े कर देगा तो हाइपर कॉन्जुकेशन के पास चलेंगे, हाइपर कॉन्जुकेशन के पास चलेंगे। अब देखो, अब मेरे पास 2 डिसाइड हो गए, बी और सी वाला, अब मेरे पास कौन कौन बचा है मुन्ना, कौन कौन बचा है, आप बोलोगे सर ए ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, और आप कहोगे सर यहां मेरे पास ई भी बचा हुआ है, ए भी बचा हुआ है और डी भी बचा हुआ है। अब इन तीनों के अंदर तुम कहोगे सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वहां चलना होगा, अब मुझे दिए हुए मॉलिक्यूल पे बात नहीं करनी,
ये कहां लगाते थे, जो गिवन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर, और ये कहां लगाते थे रेडिकल बनाने के बाद, ये कहां लगाते थे रेडिकल बनाने के बाद, रेडिकल पर लगाते थे ये वाली। ये बात सबको समझ में आ रही है, मतलब अब मैं तीनों का चेक करने जाऊंगा ना तो मैं रेडिकल बना लेता हूं सर, क्या कर लेता हूं रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेता हूं। ये लो सर यहां भी रेडिकल का ये तो पूरा ही टूट जाएगा ना यार, ऐसे तो ये पूरा ही टूट जाएगा, मुझको ऐसे करना पड़ेगा इसको ऐसे। इस बॉन्ड को हटाने के बाद यहां मैंने रेडिकल बना दिया भाई, क्या बना दिया रेडिकल बना दिया। और जब मैंने इसको रेडिकल बनाने की सोची इसको, तो यहां मैंने रेडिकल बना दिया। आ रही है बात समझ में? अब तुमको रेजोनेंस तो बता नहीं पाएगा, रेजोनेंस क्या बता पाएगा, रेजोनेंस इतना बता पाएगा भाई यहां जो रेडिकल बना है ना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है भाई, डी वाला जो है वो जल्दी बना होगा, sp3 तो है, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, और sp3 ये भी रेडिकल है भाई। ये जो रेडिकल जिस कार्बन से बने थे वो sp3 था, वहां से तो बात समझ में नहीं आई। उसके बाद मैंने ये ABCDE बोला है, इनमें तुमने ये बोला कि सर जो डी वाला रेडिकल है ना वो स्टेबलाइज रेडिकल है, और स्टेबलाइज होगा तो वो इजिली बना होगा, इजिली बना होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ा होगा भाई। मेरे पास दो चीजें थी, मेरे को तोड़ने के बाद पी बनाया, क्यू बनाया और आर बनाया बॉन्ड, इसको तोड़ने के बाद पी वाला स्टेबल बनाया, पी वाला क्या बनाया लेट्स पुट स्टेबल बनाया, तो ये बॉन्ड इजिली टूटा होगा ना, क्योंकि जब रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो बॉन्ड इजिली ब्रेक हुआ होगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देना पड़ा होगा, मतलब फायदे की चीज रही होगी हमारे। तो मैं क्या बोलूंगा, डी वाले के लिए तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसको तो एनर्जी सबसे कम देनी पड़ी होगी, एनर्जी सबसे कम देनी पड़ी होगी डी वाले के लिए, डी वाले के लिए एनर्जी सबसे कम देनी पड़ी होगी। बात आती है सर ए और ई को कैसे डिसाइड करेंगे, ए रेडिकल बना तो उसको आपने रेजोनेंस तो दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये जो ए वाला है ना इसके बगल में क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बगल में क्या है दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बगल में तीन अल्फा हाइड्रोजन तो यहां है सर, और दो अल्फा हाइड्रोजन ये है सर। बोलो यार यहां तक की बात समझ आएगी नहीं, ये रेडिकल है पूरा मुन्ना, ये रेडिकल ये यहां बनाएगा रेडिकल, ये हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ था अपना, इसको तोड़ के ऐसे बनाओगे, अरे क्या हो रहा है, ये वाला यहां रेडिकल बनेगा। इसके बगल में कितने हैं, पांच हाइड्रोजन है, क्या है पांच हाइड्रोजन है, तो इसके बगल में पांच हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा स्टेबल बना होगा एज कंपेरिजन टू ए वाले के, ई वाला ज्यादा स्टेबल बना होगा तो उसको तोड़ने बनाने के लिए एनर्जी कम देना पड़ा होगा। ये बात तुमको समझना होगा भाई, यहां ए बी सी के बाद क्या बोलोगे, यहां ई आ जाएगा और यहां अपना क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यहां अपना क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। बोलो यार कितने लोगों को यह बात समझ में आई, ऑप्शन देख लो, अब तीन ऑप्शन किसी ने भी नहीं दिया तुमने, तीन ऑप्शन किसी ने भी नहीं दिया भाई, बोलो यार जल्दी से फटाफट से, जल्दी से बोलो फटाफट से फास्ट, क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बोलो सभी एक बार फटाफट से, क्या ये बात तुमको क्लियर हुआ सबको? हाँ जी राज, काजल और गानी जिन्होंने आंसर दिया था, बोलो समझ में आया कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, तीन वाला क्यों होगा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो दोबारा अभी इसी क्वेश्चन में, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी, डाउट किसी का पेंडिंग नहीं रहना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जितने भी लोग देख रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको बोलना नहीं है चाहिए डाउट आ जाए, एक क्वेश्चन मैं गलत एक्सप्लेन कर दूंगा फिर तो बोलोगे ही, कम से कम तब तो बोलोगे ही, अभी तो नहीं बोल रहे तब तो बोलोगे, जब नहीं समझ आएगा ना तब बोल जाओगे, ठीक है इसी क्वेश्चन में बोल जाओगे तुम। लो जी अभी अपन चला CH3 सी डबल बॉन्ड CH2 और CH2 के बाद फिर एक CH2 और यहाँ H, ठीक है ये अपने पास ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल मेरे पास CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी और H, ये मेरे पास हर कलर से हर किसी को लिखेंगे कोई तो तुमको फंसाएगा, एक ये वाला है और एक अपने पास ये वाला है। अब आएगी बात जबरदस्त, तुमको थोड़ा सा परेशान, कुछ तो परेशान होगे तुम, कुछ तो तुम परेशान होगे ना, इसको एक बोला इसको दो बोला इसको तीन बोला इसको चार बोला, और इन बॉन्डों को ये चार मॉलिक्यूल है बॉन्ड यहाँ लिख देता हूँ, चलो ए बी सी कर देता हूँ, इसको ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी बॉन्ड और ये डी बॉन्ड, इनके एनर्जी के बारे में बात करनी है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, कौन सा बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा आपको यही बताना है, बॉन्ड एनर्जी किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। बोलो यार जल्दी से फटाफट से, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बनाएंगे तो हम बोलेंगे सर ये वाला लो, चलो लिखो पहला ऑप्शन ए बना लो, बी डी और सी और ए
पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी डी सी और ए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बना लो, बी बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद ए, ये वाला ऑप्शन बना लो, और डी बना लो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आंसर करो यार फटाफट से इस क्वेश्चन का, कौन आंसर करेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? बी सी, बी सी डी और ए, राज का आ रहा है बी सी डी ए और ए, देखते हैं मुन्ना, करो आंसर करो अभी तो, अभी अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास। जितना आसान समझते हो ना रेडिकल को, उतना आसान होता नहीं है सिस्टम। सॉरी बोल दिया जाए, आंसर दिया जाए, सबके द्वारा आंसर आना चाहिए, सबका जल्दी जल्दी से, जितना मुन्ना लोग देख रहा है सबका आंसर आना चाहिए, कोई भी भीड़ में पीछे नहीं छुपेगा, आंसर देगा सभी मुन्ना। बी सी डी ए, बी सी डी ए, तीन 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 आ रहा है जी, तीन आ रहा है, तीन आ रहा है, चलो रे चलो, बताओ रे बताओ सभी मुन्ना बताओ रे, कोई बदल भी सकता है क्या, कोई आंसर बदलना भी चाहिए किसी को कि नहीं बदलोगे? सिर्फ दो लोग आंसर किया है अभी तक, सिर्फ दो मुन्ना लोग आंसर किया, सिर्फ दो मुन्ना लोग आंसर किया, तीन आ रहा है। देखो भाई कैसे करना है, सबसे पहले वही अपना पुराना फंडा, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के पास चलेंगे, किसके पास? हाइब्रिडाइजेशन के पास, ये लो साहब हाइब्रिडाइजेशन। इस बॉन्ड का चेक किया sp3, इस बॉन्ड का चेक किया sp, sp2, sp2, हाइब्रिडाइजेशन ने एक चीज बता दी कि b वाले का सबसे ज्यादा होगा सर, हाइब्रिडाइजेशन ने एक चीज बता दी कि b वाले का सबसे ज्यादा होगा सर। हाइब्रिडाइजेशन के बाद दो sp2 वाले बन गए मेरे पास, क्या बच गए? दो sp2 वाले बचे हुए हैं, दो sp2 के बचे हुए हैं, ये तो सबसे, देखो sp3 वाला है उसका तो सबसे कम आ जाएगा, सबको पता है कि हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, ए वाला तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे डिसाइड हो गया। बचा है दो मॉलिक्यूल बी और डी वाला, सी और डी वाला, सी और डी वाले में तुम एक बात देखो, अगर जब मैं बेंजीन की बात करता हूं, जब भी तुम क्या कहते हो, जब भी हमने बेंजीन की बात की होगी, जब भी तुमने बेंजीन की बात की होती, बेंजीन जो तुम क्या कहते हो, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बेंजीन के अंदर है, रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है उससे हमको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाई देती है, एक्सपेरिमेंटल जो रेजोनेंस की वजह से जितना स्टेबिलिटी आना चाहिए था, रेजोनेंस की वजह से जितना स्टेबिलिटी आना चाहिए था उससे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है ये कंपाउंड। क्यों करता है? क्योंकि एरोमेटिसिटी की वजह से। किसकी वजह से? आप कहोगे इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी की वजह से इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहां जो होमो की एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है, होमो की एनर्जी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, लोअर एनर्जी के बन जाते हैं, लोअर एनर्जी के, क्या बन जाते हैं? लोअर एनर्जी के। और लोअर एनर्जी को, जिसका एनर्जी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलो यार ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि यहां भी जो रेडिकल बनेगा और यहां भी जो रेडिकल बनेगा, एक बात बताओ इन दोनों में कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा क्या? दोनों में से कोई भी रेडिकल, दोनों में से कोई भी रेडिकल है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, जो पाई बॉन्ड बना हुआ है उसके परपेंडिकुलर है ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल क्या है? उसके परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में पाई ऑर्बिटल्स हैं उनके क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है कि यहां भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, यहां भी नहीं है, बट ये जो मॉलिक्यूल है ना, ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी देखते हैं तो तुम ये कहोगे कि यहां तो एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल है कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड स्टेबल है, और किसी कंपाउंड स्टेबल में से बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा कि किसी लेस स्टेबल में से तोड़ना आसान होगा? तो आप सिंपल सा कहोगे सर मोर स्टेबल वाले में से तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मतलब क्या है कि सी वाला जो तुम्हारा था, ये डी वाला था शायद, इसको डी बोला था, इसको सी बोला था कि डी बोला था, किसको क्या बोला था यार जल्दी से बोलो, समझ नहीं आया क्या बोल दिया, ऑप्शन क्या बनाए थे रे मैंने? सही यही बनाए थे क्या? ऑप्शन तो बताओ क्या बनाया था मैंने, ऑप्शन बताओ क्या बनाया था मैंने,
जल्दी से बोले एक बार फटाफट से, ऑप्शन क्या बनाया था, ऑप्शन क्या बनाया था, ऑप्शन यही बना रखा था ना, बी के बाद सी था, एक में चेंज किया था मैंने, बाकी तो सेम था, बी और डी का चेंज किया था, ए को सेम रखा था मैंने, ए को यहां भी सेम रखा था, एक को सी पहले एक को डी पहले। तो अब तुम्हारा आंसर समझ में आ रहा है तुमको क्या बनेगा, आंसर समझ में आ रहा है कि सी वाला तो बी वाला तो सबसे ज्यादा था और ए वाला सबसे कम था। अब दोनों कंपाउंड में देखो इस और इस बॉन्ड को तोड़ना, एनर्जी किसको ज्यादा देना पड़ेगा। तुम कहोगे सर ये डी, इसको डी बनाया था ना शायद, इसको डी बनाया था, इसको सी बनाया था, ऐसा ही किया था क्या रे, sp2 वाले को सी बनाया था। अगर इसको सी बनाया था तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए और उसके बाद किसको देना पड़ेगा, सी वाले को। ये क्या रहेगा अपने पास, ऑर्डर रहेगा किसका, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। बोलो यार जल्दी से, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कंप्लीट लिखूं, तुम कहोगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच से तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा देना पड़ा, देन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ा, और फिर तुम क्या लिखोगे, इसके बाद कौन आया था आपके पास, आर सी एच टू वाला, ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ा, और उसके बाद तुम सिंपल बोल दोगे कि आर सी एच वाला, जो सिंपल क्या था, सी एच टू एच वाला, ये वाला बॉन्ड। कितने लोगों को समझ में आया ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है ये वाला, गलत हो गया तुमका सबका, फिर से एक बार फिर से गलत कर दिया है, फिर से गलत किया एक बार दोबारा। बोलो यार जल्दी से, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी बोलो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, यहां तक की बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोल दो फटाफट से, फास्ट बोलो रे मुन्ना, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या यहां तक की बात समझ में आई। अब रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछेगा तो अपोजिट कर देना चुप, एकदम से रेडिकल की स्टेबिलिटी अगर पूछेगा तो चुप जगह से अलग से उसको रिवर्स कर देना, बी को पहले फिर डी को फिर सी को फिर बी को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक, बोलो यार जल्दी से फटाफट से। अब बात करेंगे सर रिएक्टिविटी की, कहां की बात करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल्स। रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, जल्दी से एक बार सभी बोलेंगे यस और नो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार जल्दी से फटाफट से, यस और नो बोल सकते हो कोई, अगर किसी को कोई डाउट है तो, यहां तक की चीजें किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लीजिएगा। फिर नया टॉपिक है अगला, रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल्स, यहां तक किसी को समझ में आया, तीन चीजें बताई हैं, उन्हीं तीन चीजों को अप्लाई करना है और आंसर करना है बस। रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल्स, बोलिए मुन्ना, कोई नहीं बोल रहा भाई, चलिए जी अगर दिक्कत है तो दिक्कत को रखिएगा, दिक्कत बना के ठीक है संभाल के रखिएगा उसको, पूछने का नहीं ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, अभी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सर कभी भी कोई रिएक्टिविटी कोई रेडिकल तो बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि किसी मॉलिक्यूल में दो दो रेडिकल हम जनरेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, मैंने आर और आर का बॉन्ड ब्रेक करवाया और मैंने रेडिकल बना दिया, क्या बना दिया, रेडिकल बना दिया। अब तुम्हारे पास कैसा कैसा प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट आते हैं इस टॉपिक से, क्या पूछे जाते हैं आपसे, पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। कैसे देखो, अगर तुम्हारे पास लेट्स सपोज कोई रेडिकल है, रेडिकल ये और एक रेडिकल ये वाला, दोनों रेडिकल आपस में मिलकर एक पेयर्ड प्रोडक्ट बना ले, दोनों का पेयरिंग हो जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, जब कोई बॉन्ड बनता हो तो उसके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, पेयर्ड मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, पेयर्ड मॉलिक्यूल, पेयर्ड मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पेयर्ड मॉलिक्यूल बनेगा। जब रेडिकल और रेडिकल मिलेंगे, जिसको कपलिंग रिएक्शन बोल सकते हो आप, जैसे ये वाला तुम्हारे पास सी एस थ्री रेडिकल और ये एक सी एस थ्री रेडिकल, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ये वाला प्रोडक्ट जनरेट कर दिया, सी एस थ्री सी एस थ्री। अब मुझको एक बात बताओ, दोनों में जो रेडिकल बना है वो कैसे बना है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक इसके पास था, दोनों के पास सात सात इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को जरूरत थी, दोनों ने ये कहा कि हाथ मिलाया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, और जिसके अंदर एक पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, इसलिए हमने क्या बोला, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कई बार क्या होगा, देखो कई बार क्या होगा, तुम्हारे पास ऐसा होगा, एक रेडिकल होगा, एक रेडिकल होगा और उसके साथ क्या होगा, पेयर्ड मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, पेयर्ड मॉलिक्यूल, पेयर्ड मॉलिक्यूल। पहले पेयर्ड मॉलिक्यूल का मतलब समझ गए ना, एक बॉन्ड के अंदर दो रेडिकल, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री नहीं है, पेयर्ड मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, पेयर्ड मॉलिक्यूल। और ये यहां क्या बनाएंगे, एक नया पेयर्ड मॉलिक्यूल बना देंगे, न्यू पेयर्ड, न्यू पेयर्ड मॉलिक्यूल,
न्यू पेयर्ड मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल कौन देगा मेरे को, इसका एग्जांपल कौन देगा, कब कपलिंग होगा, कब नहीं होगा, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, जल्दी से बोलो फटाफट से। यहां तक बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? इन दोनों का एग्जांपल बताइएगा मेरे को फटाफट से, क्या एग्जांपल होगा, इन दोनों का एग्जांपल क्या होगा, जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या बोलना चाहोगे, क्या होगा एग्जांपल, बोलिएगा मुन्ना लोग जल्दी से, क्या होगा एग्जांपल फास्ट, गुड, जल्दी आंसर करो फास्ट, जल्दी जल्दी से। अब देखो मैंने कोई रेडिकल बना लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला रेडिकल ले लिया, ये वाला रेडिकल अपने पास है, ये वाला रेडिकल अपने पास है, इस रेडिकल के साथ मैंने सेम ऐसा एक रेडिकल और ले लिया, एक सेम रेडिकल एक और ले लिया, क्या ये जो मैंने पेयर्ड मॉलिक्यूल लिखा है, रेडिकल लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, पहली बात तो ये, क्या मैंने आपको बोला रेडिकल प्लस पेयर्ड मॉलिक्यूल, क्या ये मैंने सही लिखा है, क्योंकि सर आप कहोगे सर यहां भी रेडिकल है और यहां भी रेडिकल है, दोनों पेयरिंग हो जाएगा, यहां तो रेडिकल रेडिकल क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, पर मुन्ना एक बात जरूरी समझो, अगर कोई दो मुन्ना मिलने आ रहा है, ठीक है, कोई दो मुन्ना आपस में मिलने आ रहा है और उनके अगल बगल वाले नहीं चाहते कि वो मिले, अगल बगल वाले नहीं चाहते कि वो मिले, मतलब ये वाला जब इसके साथ क्या करेगा, मिलने आएगा, तो यहां जो मिलेगा ये वाला और ये वाला, ये आपस में क्या लगाएंगे, हाईली स्टीरिक हिंड्रेंस, और ये हिंड्रेंस होने की वजह से दोनों को एक दूसरे के पास नहीं आने देंगे, कि जब जब इन दोनों को मिलना होगा, कार्बन और कार्बन को मिलना है, तो दोनों को पास आना होगा, और पास आने से पहले ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे, बार वाला मिथाइल इस वाले से, ये वाला इस वाले से, मतलब एक्सटीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये एक दूसरे को अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे रेडिकल रेडिकल को, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये कपलिंग डायरेक्ट ना होगी, मतलब ये रेडिकल रेडिकल कपलिंग नहीं हो रहा, ये क्या नहीं हो रहा, रेडिकल रेडिकल कपलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, देखो यहां अगर तुम देखो तो यहां दो हाइड्रोजन मैं दिखा देता हूं, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे दिखा दिया, बोलो यार जल्दी से ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब तुम क्या कहोगे कि अगर मैं यहां बात करूं तो यहां मेरे पास रेडिकल है, यहां भी रेडिकल है, और इस अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करवाया सर मैंने, तो यहां भी मैंने क्या किया, एक रेडिकल जनरेट किया है, एच रेडिकल और ये वाला रेडिकल। रेडिकल में पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि कौन कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता है। अब देखो ये रेडिकल अब इसके साथ क्या कर सकता है, मिल सकता है, इसको डबलेट कंप्लीट करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और यहां ये मुन्ना क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, बोलो यार। अभी देखो ये जो पेयर्ड मॉलिक्यूल क्यों बोला, क्योंकि यहां जो जिस रेडिकल की कपलिंग हो रही है दूसरे के साथ, वो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहां कार्बन और हाइड्रोजन के, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। जैसे तुमने यहां पेयर्ड मॉलिक्यूल बनाया था, या हमने पेयर्ड मॉलिक्यूल का एक पोर्शन रेडिकल था, रेडिकल का ही यूज किया, यहां तक की बात समझ आई, वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, बोलो यहां तक की बात समझ आई, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 ये CH3 और यहां मेरे पास ये, और दूसरा क्या बनाओगे, CH3 कार्बन CH3 और उसके साथ क्या बनेगा, CH2, ये दो प्रोडक्ट तुम्हारे पास बनेंगे, बोलो यार यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से फटाफट से एक बार बताओ, जल्दी से एक बार बोलो कि दोनों समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला मामला तुमको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो फटाफट से, फास्ट एक बार रिप्लाई करेंगे कि ये वाला आया या नहीं आया समझ में, क्या ये समझ में आया या नहीं आया, मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब 3 डिग्री वाले के साथ जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, डायरेक्ट कपलिंग नहीं करेगा, 3 डिग्री वाले के साथ डायरेक्ट कपलिंग नहीं करेगा, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोलो फास्ट। अच्छा नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा हो सकता है क्या, अगर जो लास्ट वाले में नहीं हुआ क्या इसमें हो सकता है, वो पीएच और पीएच, इसके दो मॉलिक्यूल को मैंने हीट कर दिया, दो रेडिकल है, ये तो स्टेबल है ना, क्योंकि फिनाइल रिंग है इसके बगल में, तो क्या इनका मामला कैसा बनेगा, अगर ये बनेगा या नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुमको बताना ही पड़ेगा,
ओ मुन्ना है। कितना प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनेगा नहीं तो कौन सा बनेगा और कितने बनेंगे, कितने बनेंगे कौन सा बनेगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट से, फास्ट फास्ट आंसर कर दो बस एकदम से, जल्दी जल्दी से तुम्हारे आंसर आने चाहिए कि क्या बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा और क्यों बनना चाहिए इसको। बोलो भाई जल्दी जल्दी से आंसर किया जाए मुन्ना, किया जाए मुन्ना। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर नहीं आ रहा है कि सर बनेगा यस और नो, यस सर बनेगा, यस बोल रहे हो क्या, यस सर बनेगा ये बोल रहे हो क्या, काजल और प्रीति ये बोल रहे हो क्या, यस बनेगा ये बोल रहे हो क्या, यस और नो बनेगा या नहीं बनेगा, यस और नो बोलो यार, इतना पढ़ाने में दम नहीं लगता इतना तुम्हारे को, यस बोलो यार, बोलो यार, बोल दो प्लीज, रिप्लाई कर दो, इसमें ज्यादा एनर्जी जाता तुम्हारे साथ। अब बोला तो है तुमने यस, अब पता नहीं क्या बोला है, इसी का ही बोला होगा यस, क्या पीछे वाले का बोला है वो नहीं पता। चलो देखो मेरी बात, जब यहाँ CH3 थे तभी मामला नहीं बन पा रहा था, और ये तो बहुत बड़े भारी बल का है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो जब वहां ये मामला यहां बिगड़ रहा था, छोटे छोटे ग्रुप भी इसको नहीं मिलने दे रहे थे, तो ये तो पापा लोग हैं, वो अगर ये वो दादा लोग थे, ये दो ये जो थे ये पापा लोग थे, तो ये दादा लोग हैं और दादा लोग की पावर ज्यादा है पापा लोग से, तो ये तो बिल्कुल नहीं मिलने देंगे, बहुत भारी बल्कि है ये तो, बहुत भारी बल्कि है। तो सर ये वाला अगर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, अगर ये वाला नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, अगर ये वाला रेडिकल एक को उठा लेता हूं मैं, किसी एक को, किसी भी एक को उठा लेता हूं, लेट सपोज मैं इसको रिंग बना देता हूं, या तुम्हारे सामने क्या दिखा देता हूं, रिंग दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, एक यहां डबल बॉन्ड है, एक यहां डबल बॉन्ड है, अरे बात समझे। अब तुमने क्या किया, तुमने इसको रेडिकल की तरह तोड़ा यहां और यहां, ये बात समझ में आ रही है सबको, तुमने क्या बनाया, एक कार्बन, एक कार्बन के ऊपर पीएच, एक कार्बन के ऊपर पीएच, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये आगे फर्दर एक रिंग है फिनाइल की रिंग, और इस रिंग के ऊपर जब यहां रेडिकल बना है, और इसके बगल में दो क्या है, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, इस डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक करवा देता हूं फिर से यहां और यहां। अब तुम देखोगे कि इस डबल बॉन्ड को जब मैंने ब्रेक किया इस वाले को, तो इस डबल बॉन्ड को हटाने के बाद एक रेडिकल यहां बना और एक रेडिकल, ये दोनों तो मिलकर क्या बना लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कमाल, ये तो कुछ करेंगे ऐसा कमाल, ऐसा 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 और ऐसा, और इधर मेरे पास पीएच होगा, पीएच होगा, और इधर एक रेडिकल। अब मुझे बताओ, अब जो रेडिकल है वो इन रेडिकल से, इन बड़े बड़े ग्रुप से थोड़ी दूरी पे चला गया है, इन इन जो छोटे छोटे जो बाहरी बल्कि ग्रुप है, सीसी बॉन्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के सीसी के बीच कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब ये जो रेडिकल तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, इनके ऊपर ये वाले ग्रुप है स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं लगा पाएंगे, बोलो यार लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, जल्दी से बोलो फटाफट से, यस और नो बोलो जल्दी से फटाफट से, लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। अब ये क्या कर सकता है, अब ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अब ये इसके साथ क्या कर सकता है, कपलिंग कर सकता है। बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोलो फटाफट से, कपलिंग कर सकता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तुम्हारे पास ये बन जाएगा, यहां मेरे पास एक रिंग होगा सर ये वाला डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके साथ कार्बन, कार्बन के ऊपर पीएच रिंग होगा, इधर भी पीएच रिंग होगा, और इधर भी तुम्हारे पास क्या है, पीएच सॉरी सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे एक पीएच, इधर पीएच और इधर भी पीएच, ये बन सकता है। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बन सकता है क्या, बोलो इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट बन सकता है क्या मुन्ना, लोग जल्दी से बोलो एक बार, क्या इसके अलावा। अब एक बात देखो, ये 3 डिग्री वाला था, ये 2 वाला है, इसका मतलब दोनों तीन तीन वाले नहीं मिल सकते, दो वाले के साथ तीन वाला मिल सकता है, एक वाले के साथ तीन वाला मिल सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो यार, दो वाले के साथ मिल सकता है, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। अब तुमको ना ऐसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है, बोलेगा इन दोनों का रेडिकल रेडिकल कपलिंग करवा दो, कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, एक और बना देगा। अब दूसरा तीसरा तुम क्या सोच रहे हो, वो सोच के बताओ क्या बन सकता है, तीसरा बनाओ रे, बन सकता है कि नहीं बन सकता, सीसी बॉन्ड के बीच में, ये तो वही है, दो पीएच ज्वाइंट हो जाएगा, दो पीएच ज्वाइंट हो जाएगा,
अब देख लो तुम यही बोल रहे हो क्या, अब देख लो भाई राज तुम यही बोल रहे हो क्या जो मैंने बनाया है यही, वो तुम देख लो क्रॉस चेक कर लो अपना कि जो तुम बोल रहे हो वो ये सही बोला है या कुछ और बोला है। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, मेरा क्वेश्चन ये है, यस और नो में जवाब दे दें प्लीज कि बनेगा या नहीं बनेगा, यस और नो, बस इतना बात आपको बताना है, यस और नो कि बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा, देखो सुनो मेरी बात, मैंने तुमको बोला तीन वाला तीन वाले के साथ नहीं बन रहा, तीन वाला दो वाले के साथ तो बन रहा है, ये वाला तीन वाला ये दो वाला बना रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक ही मॉलिक्यूल रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये एक ही मॉलिक्यूल रहेगा किसके अंदर है भाई, इसको मैं हटा दे रहा हूं एक बार के लिए, इसको मैंने हटा दिया, इसको क्या कर दिया हटा दिया, अब जब ये रेडिकल बना मुन्ना तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक ही सॉल्यूशन बना, एक ही मॉलिक्यूल इसका ये रहा होगा भाई, इसका जब अमाउंट था तो इसका और भी तो मॉलिक्यूल रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे इसके और नहीं रहेंगे क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि सॉल्यूशन के अंदर ये सिर्फ अकेला ही था, ये अकेले ने ही जन्म लिया, ऐसा तो नहीं था, ये भी तो रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर, बोलो यार, और ये रहेगा तो ये दो वाला और दो वाला तो बड़ा जल्दी मिल जाएगा, भाग भाग कर मिल जाएगा एकदम से, दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारे पास ये भी मिल सकता है, अगला पॉसिबल प्रोडक्ट तुम्हारे पास ये भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता क्या बोलो यार, क्या ये नेक्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ये नहीं मिल सकता क्या तुम्हारे पास, ये वाला बोलो जल्दी जल्दी से फटाफट से, ये मेरे पास ए बन गया, ये मेरे पास बी बन गया, ये मेरे पास सी बन गया, तीन प्रोडक्ट मैंने लिख दिए ए बी सी, जिसमें सी वाला तो बनेगा नहीं, ए और बी बनेगा, ए और बी बनेगा, और ए और बी में मेजर कौन बनेगा ये तुम बता दो, ए और बी के अंदर मेजर कौन बनेगा, ए मेजर बनेगा कि बी मेजर बनेगा, ए मेजर बनेगा या बी मेजर बनेगा, ए और बी में मेजर कौन बनेगा जल्दी से बोलो, ए और बी में मेजर कौन बनेगा जल्दी जल्दी से बोलो, फास्ट फास्ट बोलो, सभी मुन्ना बोलें, जोर से बोलें, एक साथ बोलें, मेजर कौन बनेगा, हाँ जी बोलिएगा, रिप्लाई करिएगा, बोलिएगा, तभी तो कुछ पता चलेगा कि क्या चल रहा है मामला, क्या चल रहा है मामला, जल्दी से बोलें फटाफट से, मेजर क्या बनेगा माइनर क्या बनेगा, जल्दी रिप्लाई करेंगे सभी मुन्ना लोग, फास्ट यस, ए बी बोलो यार, ए बी मेजर तो बता दो, मेजर माइनर तो बता दो, ए बी, ए और बी में मेजर माइनर बताओ, फिर फटाफट क्लास एंड करते हैं, एक घंटे से ऊपर हो गया क्लास, मेजर और माइनर क्या बनेगा, मेजर और माइनर क्या बनेगा, हाँ भाई राज काजल प्रीति बोलो फटाफट से, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है भाई तुम्हारा, यस और नो बोल दो यार, इसमें क्या बड़ी बात है कि ये बनेगा सर ये नहीं बनेगा, बस बात खत्म, कि सर ये बन जाएगा और ये नहीं बनेगा, इतना सा बात है कि सर ये बनेगा ये नहीं बनेगा, या ये बनेगा वो नहीं बनेगा, चलो जल्दी बोलो फटाफट से, फास्ट फास्ट बोलो, देखो सुनो मेरी बात, जब भी यहां देखेंगे ना स्टेबिलिटी, तो यहां बेंजीन ड्रिंक देख लो, बेंजीनोइड रिंग बोल देते हैं या बेंजीन ड्रिंक देख लो, किसमें जिसमें ज्यादा बेंजीन ड्रिंक होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बस बात खत्म, इसमें चेक कर लो, एक दो तीन चार पांच, इसमें चेक कर लो, एक दो तीन चार, यहां चार है और वहां पांच है, और तो इसमें यह तो काउंट होगा नहीं ना, ये काउंट होंगे क्योंकि ये तो फोर फोर इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, ये तो एरोमेटिक रिंग नहीं है, आ रही है बात समझ में, आ रहा है बात समझ में, तो कौन हो जाएगा, ए वाला मेजर हो जाएगा, बी वाला माइनर हो जाएगा, दिस इज मेजर और दिस इज माइनर, बोलो यार फटाफट से बोलो, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई जल्दी से बोलो फटाफट से, जल्दी से बोलो फटाफट से, यहां तक का बात समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बोलो फटाफट से, फास्ट 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 आंसर करें जल्दी से, ठीक है, क्लियर हुआ ये वाली बात सबको, कहानियां क्लियर हुई कि यहां तक की सबको, किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, क्लास को एंड करेंगे, इसके अलावा तुम्हारे लिए ये सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, इन सेशंस को देख सकते हो, यहां चल रहा है अपना आज जो सेशन आएगा इसमें मैं कराऊंगा पीवाईक्यू, और ऐसा पीवाईक्यू नहीं है कि जो सिंपल सिंपल होगा,
जो मुश्किल पीवाईक्यू लगता है तुमको ऑर्गेनोमेटालिक्स के जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर 6 बजे आज शाम को। जीओसी का लेक्चर 13 लेक्चर तक कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें अभी थोड़ा सा पोर्शन बचा है, इंडक्टिव चल रहा है, इंडक्टिव के बाद सिंपल एरोमेटिसिटी और एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री एंड एरोमेटिसिटी बस, और तुम्हारा ये सारा खत्म जीओसी एकदम। 13 लेक्चर इसके हो चुके हैं, आपको जो हाइपर कॉन्जुकेशन और आज जो जितना यूज यहां हो रहा था वो सारे तुम वहां जाकर बिल्कुल क्या देख सकते हो, फ्री के अंदर ये चलते हैं स्पेशल क्लास के ऊपर फ्री में। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो और आपको क्लास लोक मिलता है तो आपको सिर्फ BCAM10 कोड यूज करना है दोस्तों, BCAM10 और 10% आप क्या पाओगे, डिस्काउंट पाओगे BCAM10 कोड यूज करके, ठीक है। ओके जी, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, मिलेंगे 3 बजे अब किसके साथ, 3 बजे मिलेंगे मुन्ना लोग फिजिकल केमिस्ट्री, और उसमें स्टार्ट करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या स्टार्ट करेंगे? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 बजे, ठीक है। यूट्यूब पे होगा ये सेशन, 6 बजे हम मिलेंगे ऐप के ऊपर, 6 PM ऐप के ऊपर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।